Last month, in a very megalomaniac act of the Prime Minister, he wore a suit worth 10 lakh rupees, in which all through the suit his name was written when he met President Obama. This move of the Prime Minister was widely criticized throughout the world. And it seems like that in a damage control mode, the Prime Minister himself has decided to auction that suit. So first of all, the Prime Minister should explain why a private individual who donated such an expensive gift to the Prime Minister, what was he expecting back in return? Second, how can the Prime Minister unilaterally decide? Why is he not following the norms? Why is it not being deposited in the government repository, the Toshikhana of the government? And then a decision should be taken how, what to do with this gift. जहाँ तक मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात है, इस ढंग के विषय पर भी जो आज उन्होंने किया है कि उसकी नीलामी होकर वो नमामि गंगे कार्यक्रम में लगेगा, ये मोदी जी के सोच, मनोभाव और व्यक्तित्व का परिचायक है। मोदी जी की सोच यह थी, सिर्फ राजनीति के समय से नहीं, सामाजिक जीवन में जब वो कार्य कर रहे थे, प्रचारक जीवन में ही जब वो आए तो वह त्याग की प्रेरणा से ही आए थे, वह साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। और कांग्रेस की तरफ की का व्यक्तित्व और कृतित्व यह दिख रहा है कि इस प्रकार की चीजों पर इतने ओछे स्तर की राजनीति की जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है। गांधी जी सूट छोड़ करके लंगोट पे आए थे और मोदी जी लंगोट छोड़ करके सूट पे जा रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है गांधी के देश में। सर, उनकी जो नीलामी होगी सूट की, उसकी कीमत को लेकर भी काफी विवाद रहा है। वो सब प्रायोजित चीजें हैं और जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की ये एक एक्सरसाइज भर है। ये तो है DCPR, माने डैमेज कंट्रोल पब्लिक रिलेशंस। वो जो सूट था, नाउ दे आर ट्राइंग टू ऑक्शन इट एंड वहां से कुछ चैरिटी के लिए हम सुन रहे हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है रिवर के लिए, गंगा के लिए। हाँ, ये जो PR जो खराब हो गया, अभी वो PR था, अभी DC हो रहा है, डैमेज कंट्रोल। ये एकदम डैमेज कंट्रोल का मास्टर स्ट्रोक।